अल्लाह के नबी रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले। आप ऐसा इसलिए किए, रात में घर से बाहर इसलिए निकले क्योंकि भूख की वजह से करवटें बदल रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी इस करवट, कभी इस करवट। सोचा घर से बाहर निकलूं, शायद मेरे किसी सहाबी की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए और वो मुझे अपने घर ले जाए और उसके घर में सूखी रोटी या सूखे खजूरों के कुछ टुकड़े हों तो उसी को खाकर मैं अपनी भूख को मिटा लूं। ये सोचकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर से बाहर निकल गए। आए ऐशो आराम की जिंदगी में जिंदगी गुजारने वालों, आए नारायणपुर और अतराफ वकनाफ के लोगों, आए बंगाल के बाशिंदो, सुनो कान के पर्दे खोलकर एक तरफ जरा इस जिंदगी पर भी नजर डाल लिया करो। जिसके तरीके पर तुम नमाज पढ़ते हो, जिसको अपना आका और रहबर और रहनुमा मानते हो, जिनके नाम पर तुम मरना और मिटना गवारा कर लेते हो, जिनके नाम पर फ्रांस में मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में की जाने वाली गुस्ताखी को एक मुसलमान जब बर्दाश्त न कर सका तो जाकर उसको मार डाला। मेरे भाइयों, फिर जवाब में वो भी मारा गया। जिस नबी की शान में गुस्ताखी तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, उस नबी की एक जिंदगी ऐसी भी गुजरी है, जरा उस नबी की जिंदगी पर भी नजर डाल लिया करो और अपनी जिंदगी पर भी नजर डालो। रात का अंधेरा है, रात की तारीकी है, घर से बाहर निकलते हैं, भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है, घर से बाहर निकले कि कोई मिल जाए। मिला भी तो कौन मिला, कोई अमीर आदमी ना मिला। मिला भी तो कौन मिला, कोई दौलतमंद ना मिला। मिला भी तो कौन मिला जिसके दो चार मकान नहीं, दो चार फैक्ट्री नहीं। मिला तो कौन मिला, वो भी भूखा था, वो भी नंगा था। मिला तो कौन मिला, वो मिला जिसको खुद उसने, भूख ने उसको भी परेशान कर रखा था और वो भी अपने घर से निकला तो भूख की वजह से निकला। वो कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का यार गार था। अबू बकर, रात के अंधेरे में तुम यहां? हाँ अल्लाह के रसूल, रात में मैं निकला, तुम क्यों निकले? अल्लाह के रसूल, किसी तरीके से रूखा सूखा मैंने अपनी बीवी बच्चों को खिला दिया, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, करवटें बदलते बदलते नींद ना आई, रात की तारीकी है, मैंने अपनी बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ा, मैं बाहर निकल आया, शायद कोई मिल जाए। सोचा अबू बकर ने, अल्लाह के नबी तो सखी हैं, खुद नहीं खाते दूसरों को खिला देते हैं, शायद इनके पास कुछ होगा। कह दिया अपने दिल का हाल, अय अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से निकला, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए और वो हमें कुछ खिला दे। अल्लाह के नबी समझ गए और कहने लगे, अय अबू बकर, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ होता तो मैं रात में खुद नहीं निकलता, मुझे भी भूख की वजह से घर से निकलना पड़ा। अबू बकर की जबान से निकला, अल्लाह हम दोनों पर रहम फरमाए, चलो थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं, शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए। थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सामने से एक लंबा चौड़ा, 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी चला रहा है। देखो कौन है, करात के अंधेरे में पहचाना नहीं जा रहा है। और करीब चलो, देखे ये इस्लामी भाई है कि या गैर मुस्लिम। और करीब गए, जब बिल्कुल करीब हुए तो पता चला कि हजरत उमर है, शायद इनके घर कुछ मिल जाए। कहा, उमर तुम क्यों निकले हो? कहा, अल्लाह के रसूल, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में अब खाने का एक दाना नहीं है, भूख की वजह से घर से निकलने पर मजबूर हो गया हूँ। ये सोचकर अल्लाह का कोई बंदा बाहर मिल जाए, शायद वो मुझे कुछ खिला दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर हम दोनों भी भूख की वजह से ही बाहर निकले हैं, चलो। एक सहाबी का नाम मुझे याद है, बड़ी इज्जत करते हैं वो, हमारी
और हमारे साथियों की उनके घर चलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर ये तीनों एक सहाबी के घर चले जिनके बेटे का नाम हैसम था। अबुल हैसम हैसम के बाप के घर पहुंचते हैं, अबुल हैसम के घर पहुंचते हैं और दरवाजे को दस्तक दी। रात में ये इंटरनेशनल लोग हैं, उठेंगे जाएंगे फिर आएंगे बैठेंगे डिस्टर्ब करेंगे यार। अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी रात में दस्तक। आजकल का ज़माना नहीं था उठाओ फ़ोन का हेलो हाँ हम आ रहे हैं तो आदमी पहले से चाय वाय बना के रख ले, ज़माना नहीं है। आजकल तो बहुत आसानी है, रात में अगर 12-1 बजे हम कहीं फंस जाएं मालदा में या फरक्का में तो फ़ौरन फ़ोन कर सकते हैं, आलम भाई यार फंस गया हूँ। अरे नहीं मौलाना रुकी रुकी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। आए घर में दूध मौजूद होता है, चलिए कुछ नहीं तो बटर टोस्ट लगा दिया, ब्रेड आमलेट बना दिया, चलो कुछ नहीं रात में अगर है तो ये खिला दिया। वो जमाना मोबाइल का नहीं, टेलीफोन का नहीं, तार का नहीं। और खुद कायनात के इमाम का हाल यह है कि भूख से करवटें बदल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का हाल यह है जिन्होंने खिलाफत भी की लेकिन जब कफनाए गए तो अपनी बेटी आयशा से कहा था, आयशा मुझे मेरे पहने हुए कपड़ों में कफनाना। हजरत आयशा ने जब नया कपड़ा पेश किया, ये आपके कफन के लिए है, फरमाया आयशा कफन का कपड़ा नया कपड़ा जिंदे को ज्यादा जरूरत होती है, मुर्दों को नए कपड़ों से क्या सरोकार है, मुझे मेरे इन्हीं कपड़ों में दफनाना जिसने हुकूमत करके खिलाफत करके दिखलाई हो। और वो जब दफन होता है तो पुराने कपड़ों में दफन किया जाता है, कफनाया जाता है। वो उमर जिन्होंने 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 100 मील नहीं, 200 मील नहीं, 1,000 मील नहीं, 2,000 मील नहीं, 1,00,000 मील नहीं, 2,00,000 मील नहीं, 22,00,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई, खिलाफत करके दिखाई, लेकिन घर से निकला तो किस हाल में निकला कि पेट भूख बच्चे खा लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, सीखो सीखो। अफसोस तो ये होता है कि जिसकी पॉकेट में पेन की कीमत 1,00,000 रुपए हो और जो 10,00,000 रुपए का सूट पहनता हो, आज वो हमें सिखला रहा है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। अफसोस इस बात पे होता है, अफसोस। अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी दरवाजे को। अबुल हैसम ने कहा अपनी बीवी से, रात में कौन आ सकता है? कहा आपका कोई करीबी होगा, आपका कोई दोस्त ही होगा, इतनी रात में दरवाजा कौन खटखटा सकता है? मजाक करने का जमाना नहीं था वो कि रात में अपने दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, उठ के 2 बजे 20 बैल मार रहे हैं और अपना मोबाइल बंद कर दिया, बेचारे की नींद खुल गई, वो कर रहा है मोबाइल बंद। इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं होती थी उस जमाने में। ये घटिया हरकतें चाहे मजाक ही में की जाएं लेकिन शैतानी हरकतें हैं ये, और जरूर तुम्हारी रगों में किसी ऐसे बाप का खून दौड़ रहा है जिसने तुम्हें सही तरबियत नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सही तालीम नहीं दी है। जिन्होंने तुम्हें सच्ची तालीम दी होती तो ऐसी घटिया हरकतें तुम नहीं करते। रात में कौन आदमी किस हाल में है, सो रहा है, उसको सुबह फजर की नमाज में उठना है, तुम मिस बैल मारकर उसकी नींद में डिस्टर्ब करते हो? शर्म आनी चाहिए, तुम इसको मामूली समझते हो लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी। अबुल हैसम ने दरवाजा खोला, रात में इतने बजे कोई मजाक भी नहीं कर सकता है और मेरे करीबी रिश्तेदार के अलावा कौन आ सकता है? शायद कोई बीमार हो, मजबूर हो, या कोई मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया हो वो आया हो। अबुल हैसम आगे बढ़ते, दरवाजा खोलते, सामने वो हस्ती खड़ी है जिसको सैयदुल अंबिया बनाया गया है, जिसको शबे मेराज सारे नबियों का इमाम बनाया गया हो,
इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस्सकलैन खड़े हैं, सैयद बुलद आदम खड़े हैं, सैयद उस्सकलैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मोहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुलिल आलमीन खड़े हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं, आह उनके बगल में हजरत अबू बकर हैं, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक हैं, दोनों तरफ सितारे और बीच में चौदहवीं का चांद है। आह अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का आना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्मे हैसम मोहम्मद रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं, रात के अंधेरे में चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्मे हैसम पर्दे में चली जाती हैं, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अरे अल्लाह के रसूल कैसे आना हुआ, जल्दी से अपने घर में घुसे, कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी, उठा लाए, मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों, और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता है कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ, कहा कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी भूखे हैं। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूँ। यहाँ तो दावत एक आदमी की शादी में, उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो, शर्म करो शर्म। बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा खाया जैसे किसी ने थूका और उसने चाट लिया। बड़ी सख्त बातें कहने का आदी हूं मैं, और तुम्हें सुनना पड़ेगी, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी। जब तक यहां बैठा हूं ये अथॉरिटी, ये पावर है मुझे बोलने का, यहां से हटने के बाद गाली दे लेना मुझे। और सुनो, ये आए नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं आए, इजाजत ले रहे अल्लाह के रसूल, इनको मैं लेकर आया हूं, मैं भी भूखा हूं, ये दोनों भी भूखे, तकलीफ नहीं, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो, घर में बचा खुचा कुछ हो वही ले आओ, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये खजूरें खाकर ही इक्तिफा कर लेंगे। नहीं अल्लाह के नबी बैठिए, आप आए हैं, बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं बनाने, तो अल्लाह के रसूल को क्या मालूम, बताया नहीं, और घर के अंदर घुस गए, बकरी बंदी थी, खोली रस्सी, बीवी से कहा पकड़ पैर, बीवी ने पैर पकड़े, बकरी जिबा कर दी। पता नहीं अल्लाह के रसूल, जल्दी से टांगी, खाल उतारी, बोटियां पीस कर दिए गए। यहां अल्लाह के रसूल बस खाना बन रहा है, अरे सब कुछ मौजूद था घर में, तब ठीक है। जैसे हम लोगों का दाल चावल तो हर वक्त होता ही है, चलो कोई मेहमान आया कुछ नहीं थे, ठीक घर में मौजूद था, ये मालूम नहीं अभी कि बकरी काट दी, जिबा कर दी, गोश्त बनकर सामने, नियामतों को देखा, गोश्त देखा, खाया, भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा था, अबू बकर ने भी खाया, उमर फारूक ने भी खाया, और पूछा अबुल हैसम ये तुमने क्या किया। अल्लाह के रसूल आप हमारे घर में आए और भूखे हो, और आपके दोस्त अबू बकर उमर हमारे मेहमान हो, और हमारे घर में बकरी मौजूद हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपकी मेहमान नवाजी ना करें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबुल हैसम
मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो किया ठीक ही किया, मेहमान नवाजी की तुमने अपनी इस्तेआत के मुताबिक। लेकिन आए अबू बकर, आए उमर और अबुल हैसम, तुम भी सुन लो, अब तुम भी खाओगे और बच्चे भी खाएंगे तुम्हारे। इसके बाद जो बंदिश लगाई उन जुमलों पर गौर करो, क्या कहा? वल्लजी नफ्सी, वल्लजी नफ्सो मुहम्मद बियदिही। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, आए अबू बकर, आए उमर, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, लतुसअलुन्ना हाज़न नईम यौम अल क़यामा। जो गोश्त की बोटियां तुमने खाई हैं, आए अबू बकर, आए उमर, मैं भी शामिल हूं इसमें, अरे अल्लाह के रसूल, जो गोश्त की बोटियां तुमने खाई हैं, अल्लाह अल्लाह ने इस रात के अंधेरे में हमें जो नियामतें दी हैं, लतुसअलुन्ना हाज़न नईमी यौम अल क़यामा, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है मोहम्मद की, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ हमें, आपको और तुम्हें, आए अबू बकर, उमर, आए अबुल हैसम, हम तुम सबको इन नेमतों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा, इन नेमतों के बारे में सवाल जवाब होगा। यानी तुमने खाया है हमारी इन नेमतों को जो हमने ज़मीन पर उतारी है, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं? अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, लतुसअलुन्ना हाज़ल नईम, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन। मतलब ये था, आया अबुल हैसम तुमने खा लिया, बच्चों को भी खिलाओ, और जब बच्चे आए तो फ़कीरों मिस्कीनों को भी खिलाओ, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह इन नेमतों के बारे में हिसाब व किताब ले, तो हम फजूल खर्ची के दायरे में ना आए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा गोश्त हमने घर में खा लिया हो, हमने मेहमानों को खिला दिया और बचा हो तो वो सड़ता रहे, उसको गरीबों और मिस्कीनों में भी पहुंचा दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाज़ा लगाइए, इन नेमतों को खा रहे हैं तो यहाँ पर हम जैसे लोग होते तो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, माशाल्लाह कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की। और थोड़ा सा मक्खन लगाने वाला मौलवी होता तो क्या कहता, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे, इस अंधेरे में भी उसने हमारी खिदमत की। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे हैं, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जजाए खैर दे, ये नहीं कह रहे, बल्कि आखिरत से जोड़ रहे हैं इन नियामतों को खाने के बाद। कह रहे हमने ये नियामतें अबुल हैसम तुम्हारे जरिए हमें मिली, लेकिन शुक्र तो हमें अल्लाह का करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे घर में बकरी अल्लाह ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए एक नसीहत है, आए अबुल हैसम, आए अबू बकर, आए उमर और आए मोहम्मद, अरे अपने आप को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नेमतों को जो तुमने खाया है, कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछताछ होगी कि तुमने शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया। जलसा है ना, कितने जगह क्या क्या कटा होगा, कितने मेहमान आए होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, गलत नहीं है मेहमान नवाजी करना, गलत यह है जरूरत 2 किलो की है, आप 10 किलो ले रहे हैं। गलत ये नहीं है मेहमान नवाजी करना, गलत ये है कि जरूरत 3-4 किलो की और आप 10 किलो ले रहे हैं, ये गलत है। अभी एक दो और वाकया सुनाऊंगा आपको। ये तो उन्होंने नबी अकरम की मेहमान नवाजी की तो अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दे दी, और कहीं आजकल की तरह हिसाब किताब होता। आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है, और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं, जो बाराती हैं, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से, ये तारीफ किसकी कर रहे हैं, लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था तू उसके घर खाना खा रहा है, लड़की के बाप को हक ही नहीं है।
खिलाने का, वो लड़की के बाप है। लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत में उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू, किसके घर खा के आए? लड़की वाले साहब, लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं, दो चार आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है? अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, लतू सालून नहाजन नवीन, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं, 11 बज गए, आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है। अब आइए एक दूसरे वाक्य की तरफ, हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। हजरत काब इब्ने मालिक, ओहो, 50 दिन इम्तहान से गुजरे। आपको मालूम है इनका वाकया, आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों, ये किसी वजह से गजवे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बायकॉट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा, छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है, और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, यह भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो। अलग हो जाओ, जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मायके भेज दिया, जा। मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाक्य हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाक्य है, अगर वो वाक्य सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, इनकी तौबा को कबूल किया, और जिब्राइल को भेजकर मुहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत काब इब्ने मालिक को माफ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने तकरीर की, और तकरीर में आपने कहा कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। कोई आदमी जाए उनको खुशखबरी सुनाए, हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है, मारे खुशी के वो अल्लाह के नबी के पास आए। और सुनो सुनो नौजवानों, हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये बड़ी खुशी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। 50 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं,
50 दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। आज अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है, आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है, इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी माल है, ओफो ये चीज हम सुनाना चाहते हैं आपको, आज मेरे पास जो कुछ भी दौलत है, जो भी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी जितना मैं मालिक हूं, आज सारा का सारा मैं राह खुदा में सदका करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हूं। अय अल्लाह के नबी आज हमें सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं अपना सारा माल, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को देने के लिए तैयार हूं, सदका करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी फौरन उठे, खड़े होकर आपने फरमाया, अय काब इब्ने मालिक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा माल सदका नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद पूरा का पूरा अगर राह खुदा में सदका कर दोगे तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम सड़क पे आ जाओ। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद यह है कि अच्छे काम में भी आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, एक लिमिट है मेरे भाइयों। जब सदका और खैरात और ज़कात और खैरात में, ज़कात में भी एक लिमिट है, आपके पास इस्तेआत है तो 2.5% आपके ऊपर फर्ज है, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, आपके पास 100 रुपए, 100 के 100 पूरी जकात नहीं दे सकते हो। जब अच्छे काम में पूरा माल खर्च नहीं कर सकते हो, सदका और खैरात में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन और जायदाद नहीं दे सकते हो, तो शादियों में लुटा सकते हो, फजूल खर्ची कर सकते हो, बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो गया मेरे भाइयों। 300-300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतजाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी, फोर व्हीलर को ले जाना, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है मेरे भाइयों। इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो, जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते, सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाजत किसने दे दी है, फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है मेरे भाइयों। इन वाकयात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं। आपने काब इब्ने मालिक से क्या कहा, पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा। एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए, सुनिए, साद इब्ने अबी वकास बीमार हुए, थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग जो हो सके वो डालते जाएं, और इधर सुनिएगा ये बड़े दिलचस्प वाकयात अब हम सुना रहे हैं। हजरत साद इब्ने अबी वकास एक मरतबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी आयादत के लिए तशरीफ ले गए देखने के लिए, तीमारदारी आयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्ने अबी वक्कास ने मुहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे, शायद हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को यह एहसास हो गया हो कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है, क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो वो उसको अपनी आंखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इजा बलगतिल हुलकूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है, धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक, उसके बाद जब निकलती है तो आंख फट जाती है खुली, और यहां से आंख के रास्ते से रूह निकलती है, और जब रूह आंख से निकलती है तो ऐसे आंख ऐसे फट जाती है, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वअंतुम हीनइज़िन तनज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो,
یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بیمار ہوئے, اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے, عیادت کے لیے جب گھر گئے کہ سعد کو دیکھ کے آؤں, تو حضرت سعد نے ہاتھ پکڑ لیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر. آپ نے کہا ٹھیک, صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ. یہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, آپ تو میرے بزنس اور کاروبار کے بارے میں جانتے ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے. سنیے, لوگ مرتے وقت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا, لو یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے اب یہی کام آئے گا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا, اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, میرے بزنس, میرے تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میری پراپرٹی, میری زمین, میری جائیداد آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, صرف میری ایک بیٹی ہے, کل اس کی شادی ہو جائے گی, وہ بھی دوسرے کے گھر کی ہو جائے گی, وہ بھی سسرال چلی جائے گی, میں کا چھوڑ دے گی, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو زمین ہے, جو جائیداد ہے, جو دولت ہے, جو پراپرٹی ہے, اس کی میں وصیت کر دوں, سارا کا سارا مال میں وصیت کر دوں, ساری پراپرٹی, زمین و جائیداد کی میں وصیت کر دوں. وصیت کا مطلب اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا سب کا سب میں وصیت کر دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے سعد ہرگز نہیں. غور کیجئے, وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہے ہیں, میں سب غریبوں مسکینوں میں لٹا دوں, اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں.